आज मैं जो गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ उसमें एक बहुत ही स्पेशल टिप्स है। तो मेरा नाश्ता बनाने का काम तो हो गया है और भी किचन का जो सफाई का काम होता है वो हो गया है और आयुष फ्रेश हो रहा है और उसके बाद वो नाश्ता करेगा, फिर उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा और मैं भी अपना सारा काम सुबह का है जो वो कर लूँगी, फिर नहाना और फिर पूजा करना, फिर नाश्ता करना, उसके बाद उस तरह से काम चलता रहेगा। और हाँ, आज मैं अपने इस नए कुकर में गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हमारे यहाँ कोई भी नया बर्तन आता है तो सबसे पहले हम लोग उसमें मीठा बनाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले मैं इस कुकर में गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। और जब मैं कुकर में आज गाजर का हलवा बनाऊंगी तो इससे ये होगा कि किस तरह से मैं कुकर में गाजर का हलवा बनाती हूँ, वो भी बिना घिसे हुए गाजर का हलवा किस तरह से बनाती हूँ, यानी आज तो एक पन दो काज हो जाएगा, एक पन दो काज हो जाएगा कि किस तरह से मैं कुकर में गाजर का हलवा बनाती हूँ वो भी बिना घिसे हुए, और मेरे नए कुकर का उद्घाटन भी हो जाएगा उसमें मीठा। तो गाजर का हलवा तो मैं शाम को बनाऊंगी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, जितना भी दोपहर का काम होता है वो मैंने लंच बना लिया है और लंच में मैंने बनाया है रोटी और अभी सब्जी चढ़ा हुआ है गैस पे। मैं दिखाती हूँ मैं क्या सब्जी बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये सब्जी की सब्जी, सीम आलू, और ये गोभी की सब्जी, ये है सब्जी रोटी, और यहाँ थोड़ी सी सब्जी बची हुई है सुबह की नाश्ते की। तो आज का हमारा लंच है रोटी, आलू गोभी और सीम की एक सूखी सी सब्जी है जो मैंने आपको दिखाया, और साथ में मैं एक दाल बनाऊंगी क्योंकि सब्जी जब सूखी है तो दाल बनाना ज़रूरी है, और उसमें मैं एक सिंपल सा तड़का लगाऊंगी और एक चटनी बनाऊंगी टमाटर और धनिया पत्ता की। और अभी कुछ दिनों से मैं दोपहर में चावल नहीं बना रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंड का है और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा है, तो हम लोगों को लंच में चावल खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अभी चावल नहीं बना रही हूँ। इसमें है रोटी और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करके रखा है थर्मस में डालने के लिए, और यहाँ पे गैस गंदा हो रखा है, अभी मैंने रोटी बनाया है तो अभी तो गैस गर्म है तो मैं इसे भी साफ करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आयुष को, आयुष रेस्ट कर रहा है थोड़ा सा, और आयुष और मैंने सेम कलर का, ये देखिए मैंने भी हाईनेक पहना है रेड कलर का और आयुष ने भी रेड कलर का हाईनेक पहना, दिखाओ आयुष, दिखाओ आयुष। तो ये देखिए आयुष ने भी रेड कलर का पहना है और आयुष थोड़ा थका थका लग रहा है, ये देखिए रेड कलर का। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम में, और शाम में मैं तो गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 6:30, और लंच वगैरह करने के बाद, किचन क्लीनिंग करने के बाद, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, रेस्ट करके उठने के बाद कपड़े वगैरह ठीक किए, ठंड में कितने कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर्स वगैरह उसे धोना फिर उसे ठीक कर, ठंड में कितने काम बढ़ जाते हैं कपड़े को लेकर भी, तो मैंने उसे ठीक किया और अब मैं जा रही हूँ किचन में गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो चलिए मैं गाजर के हलवा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं गाजर को अच्छे से पानी से धो ली हूँ, और उसके बाद मैं अच्छे से गाजर को छील कर और उसे चाकू की सहायता से काट लूँगी और छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, आप किसी भी तरह से काट ले सकते हैं, इसमें कोई शेप की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने इसे रफली काट लिया है। और यहाँ पे मैं कुकर को अच्छे से धो ले रही हूँ, और उसके बाद मैं इसे गर्म होने के लिए गैस पे रख दूँगी, और कुकर के गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 बड़े चम्मच घी, और यहाँ पे घी डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कोई भी हलवा है वो घी के बिना तो अधूरा है, और यहाँ पे खुले दिल और खुले हाथ के साथ घी डालना है। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया 4 इलायची, छोटी इलायची कूटकर इसे इसमें डाल दिया है, और इलायची की थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया कटे हुए गाजर, और उसे बस मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। और अब यहाँ पे होगा ये कि जब हम लोग कुकर का ढक्कन लगाएंगे तो अंदर में मॉइस्चर आ जाएगा, और उस मॉइस्चर की सहायता से ये जो गाजर है वो अच्छे से पक जाएगा, 3 से 4 सीटी लगनी है इसमें, और 3 से 4 सीटी के बाद कुकर को खुद से ही ठंडा होने देना है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 सीटी के बाद कुकर का ढक्कन खोल दिया है, और अगर आप चाहें तो कुकर को बंद करने से पहले, यानी ढक्कन बंद करने से पहले आप इसमें
एक कप पानी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारा गाजर जल सकता है तो आप पानी डाल सकते हैं निश्चिंत होकर, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वैसे आप पानी नहीं भी डालेंगे तो गाजर नहीं जलने वाला है। और उसके बाद कुकर का ढक्कन खोलने के बाद गैस को मैंने जला दिया और इस तरह से आप देख सकते हैं दबाते हुए अच्छे से गाजर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे गाजर जो है अच्छे से पक गया है, लेकिन ये वाला प्रोसेस इसी समय में करना है और जब इसमें दूध डालना है उस समय भी करना है, ताकि जो गाजर है अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा भी गाजर का जो मोटा हिस्सा है वो न रहे। और इस तरह से 3 से 4 मिनट तक करना है और उसके बाद डालना है इसमें दूध। और यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर लिया है तो मैं इसमें डालूँगी 3 पाव दूध। और बस इसे थोड़ी देर और यानी 3 से 4 मिनट तक इसे मैं मिक्स करूँगी दबाते हुए। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गया है और अब मैंने इसमें डाल दिया करीब 3 पाव दूध। और दूध के डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर, स्टार्टिंग में मैं हाई फ्लेम रखूँगी और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। और पकाते हुए मैं इसे बीच बीच में मिक्स करते रहूंगी ताकि जो है तले में चिपके नहीं हलवा। और घिसे हुए गाजर और ये जो कुकर का गाजर है, इसके बारे में कहना चाहूंगी कि दोनों में टाइमिंग करीब एक ही लगती है, लेकिन हाँ ये बात है कि घिसे हुए गाजर में घिसने में मेहनत लगता है और इसमें घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन टाइमिंग करीब करीब एक ही लगती है। आप लोग भी बना के देखेंगे तो पता चलेगा। और इसमें जो ये दूध का जो क्वांटिटी कम करने का जो टाइमिंग होता है, करीब 20 से 25 मिनट से भी ज़्यादा लग जाती है। मेरी तो करीब 30 मिनट लग गई है यहाँ पे दूध की क्वांटिटी कम करने में। यहाँ 1 किलो गाजर और 3 पाव दूध मैंने डाला था और यहाँ पे दूध जो है कम हो गया है और 2 से 3 मिनट और लगेगा और उसके बाद थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जो गाजर का हलवा है वो रेडी हो जाएगा और उसके बाद लगेगा इसमें एक स्पेशल सा तड़का, और वो तड़का मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि क्या है। और यहाँ पे मैंने एक बर्तन में ले लिया है घी, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, और घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। और घी के गर्म होने के बाद मैंने उसे गैस से हटा दिया है ताकि घी गैस पर गिरे नहीं। और मैंने काजू को बारीक काट के रख लिया था। आप अपने पसंद के कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू यूज़ किया है क्योंकि हम लोग घर में सिर्फ काजू ही सभी को पसंद है। और उसे थोड़ा सा भुनने के बाद, हल्का ही भुनना है, और उसे भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया और लग गया एक अच्छा सा तड़का। घी और काजू का तड़का लगाने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे गाजर के हलवे को मैंने सर्व कर लिया है। गाजर के हलवे में जो चीनी डालने का वीडियो है वो सूट नहीं हो पाया है गलती से, तो चीनी उस स्टेज पे डालना है जब दूध की क्वांटिटी पूरी तरह से कम हो जाए और जब लगे कि गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी होने वाला है, और उस स्टेज पे ही हमें चीनी डालना है। और चीनी का मात्रा होगा, मैंने यहाँ 1 किलो गाजर में 100 ग्राम चीनी दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा घटा बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए काजू से इसे गार्निश कर दिया है और यहाँ पे गाजर का हलवा बनकर रेडी है। तो इस तरह से आप कुकर में बिना घिसे हुए एक खास तड़का लगाकर गाजर का हलवा बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तड़का लगाने से एक बात मेरे दिमाग में आया, हम बिहारी खाना को टेस्टी बनाने के लिए गाजर के हलवे में भी तड़का लगा दिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।